सो हेलो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है एक और वीडियो में। तो यार ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि हमारे मन मुताबिक नहीं होती है और जिससे हमें जो है काफ़ी सारा डिसअपॉइंटमेंट या फिर हम उससे दुखी भी हो सकते हैं। तो यार आज की इस वीडियो में मैं आपसे टेक कैटेगरी के कुछ ऐसे ही डिसअपॉइंटमेंट, ऐसी ही निराशावादी चीज़ों के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। तो यार अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, क्योंकि आपको टेक से रिलेटेड ऐसी ही चीज़ें इस चैनल पर मिलती रहती है। तो यार आज की इस वीडियो को हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहली चीज़ जो कि आपको थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट कर सकती है वो है गूगल की तरफ से। तो यार आपको पता होगा कि गूगल फ़ोटोज़ जो है उसमें आपको जो है अनलिमिटेड स्टोरेज मिलती थी, मतलब आप उसमें कितने सारे भी फ़ोटोज़ जो है वो स्टोर करके रख सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि यार जैसे ही लॉकडाउन लगा लोगों ने गूगल फ़ोटोज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से जो है गूगल ने उस स्टोरेज को जो है लिमिटेड कर दिया है। तो यार आपको जो है गूगल स्टोरेज में जो है 15 GB की जो स्टोरेज मिलती थी, अब इन गूगल फ़ोटोज़ की स्टोरेज को जो है उसी तरफ ट्रांसफ़र कर दिया है। मतलब आपको पहले जो अनलिमिटेड स्टोरेज मिलती थी वो अब आपको लिमिटेड स्टोरेज मिलती है। तो यार आप जो है इस बात से थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट हो सकते हैं। तो यार अगली चीज़ जो कि काफ़ी सारे लोगों को डिसअपॉइंट कर सकती है, खास करके एप्पल लवर को काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट कर सकती है, वो ये है कि आज अगर आप आईफोन 12 खरीदोगे तो आपको उसके बॉक्स में जो है चार्जर ही नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको वहाँ पर एक फ़ोन मिलेगा और केबल मिलेगा। और अगर आपने आईफोन ख़रीदा तो उसके साथ जो है आपको चार्जर जो है अलग से लेना पड़ेगा। तो यार पहले आपको पता होगा कि पहले अगर आप आईफोन ख़रीदते थे तो उसमें आपको चार्जर हेडफोन भी मिल जाते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे करके जो है हेडफोन भी वहाँ से रिमूव कर दिए और फिर बाकी कंपनियों ने भी अपने बॉक्स के अंदर से हेडफोन रिमूव कर दिए थे। लेकिन अब 2020 में जो है आईफोन ने अपने बॉक्स से जो है चार्जर ही रिमूव कर दिए है। तो यार ये चीज़ जो है काफ़ी सारे आईफोन लवर को डिसअपॉइंट कर सकती है। तो यार अगली चीज़ जिसने सभी गेमर लोगों का जो है दिमाग ख़राब करके रख दिया है और काफ़ी सारे गेमर्स को जो है डिसअपॉइंट भी कर दिया है, खास करके ई-स्पोर्ट प्लेयर को, वो है पबजी मोबाइल। क्योंकि यार आपको पता होगा कि पिछले साल मतलब 2020 में जो है पबजी मोबाइल जो है बैन हो गया था इंडिया से, और उसके साथ साथ जो है काफ़ी सारे चाइनीज़ ऐप भी बैन हो गए थे अपनी इंडिया से। तो यार आपको पता ही होगा कि जब लॉकडाउन लगा तब बहुत सारे यूज़र जो है पबजी पर एक्टिव हो गए थे, मतलब बहुत सारे लोगों ने पबजी खेलना शुरू कर दिया था, और ये जो लॉकडाउन में काफ़ी सारे लोगों को एंटरटेन करने का जरिया भी बन चुका था। लेकिन बीच में ही गवर्नमेंट ने जो है पबजी मोबाइल को बैन कर दिया है और पबजी मोबाइल का बैन जो है अभी तक चल रहा है। और यार पबजी मोबाइल इंडिया आने का कोई संभव नहीं दिख रहा है, मतलब कोई आसार दिख भी नहीं रहे हैं। हाँ बीच बीच में कुछ लीक्स भी निकल के आई थी कि पबजी मोबाइल अब आ रहा है, मतलब दिवाली पर आ रहा है, लेकिन नहीं आया। और ये एक चीज़ जो है काफ़ी सारे गेमर को जो है डिसअपॉइंट करती है। तो यार अगला डिसअपॉइंटमेंट जो कि साइबर पंक गेम को लेकर को है, तो यार आपको पता ही होगा कि साइबर पंक गेम जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी थी। लेकिन यार ये जो गेम है लॉन्च भी काफ़ी देर से हुई थी और लॉन्च होने के बाद जो है इसमें काफ़ी सारी ग्लीचेज भी थे, उसके बाद जो है इसमें हैकर भी आने लगे थे, और आप गेम को खेलने के लिए जो है आपको बहुत सारे पैचेज भी लगाने पड़ते थे। अगर आपने साइबर पंक खेली होगी तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से पता ही होगी। और साइबर पंक में कुछ गड़बड़ियों की वजह से जो है इसे सोनी प्ले स्टोर से भी हटा दिया गया था, मतलब सोनी का जो प्ले स्टोर है उससे भी इसे रिमूव कर दिया गया था। तो यार ये चीज़ भी जो है काफ़ी सारे लोगों को डिसअपॉइंट कर सकती है। तो यार अगली चीज़ जो कि काफ़ी सारे लोगों को डिसअपॉइंट कर सकती है वो ये है कि व्हाट्सअप की प्राइवेसी पॉलिसी, क्योंकि यार आपको पता होगा कि व्हाट्सअप की प्राइवेसी पॉलिसी का अपडेट आया था और जब वो इम्प्लीमेंट हुई थी तब काफ़ी सारे लोगों ने जो है ये बताया था कि अब आपका जो प्राइवेसी है वो प्राइवेसी नहीं रही है, मतलब आप जो आपकी बैटरी परसेंटेज, आपकी फ़ोन की बैटरी परसेंटेज, या फिर आप अगर आप किसी बिजनेस ग्रुप के साथ चैट कर रहे हैं या फिर जो कुछ भी कर रहे हैं वो अब प्राइवेट नहीं रहा है। क्योंकि यार आपको पता होगा कि व्हाट्सअप की पेरेंट कंपनी जो है वो फेसबुक है, और अगर आपने अगर इंस्टाग्राम पर कुछ पोस्ट किया है या फिर स्टोरी डाली है तो आप जो है ऐसी सेटिंग्स भी कर सकते हैं जिससे कि वो पोस्ट या फिर वो स्टोरी जो है वो ऑटोमेटिकली फेसबुक पर भी पोस्ट हो सकती है, मतलब स्टोरी भी वहाँ पर दिख सकती है। ऐसी आप सेटिंग्स भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि फेसबुक के ही प्रोडक्ट है इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप, और व्हाट्सअप में ही भी जल्द ही ये पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट होने जा रही है, और जिससे कि ये जो इसकी डेडलाइन जो है काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन ये प्राइवेसी पॉलिसी जो है व्हाट्सएप पर इंप्लीमेंट होकर रहेगी। तो यार ये चीज़ भी जो है काफ़ी सारे लोगों को डिसअपॉइंट कर सकती है।
सर अगली डिसअपॉइंटमेंट जो कि टेक कैटेगरी में इसे आप फेलियर भी कह सकते हैं, वो कि LG जो है अपने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है उसे बंद करने जा रही है, क्योंकि यार LG जो है काफ़ी अच्छे फ़ोन्स भी बनाया करती थी और उस LG ने जो है काफ़ी अच्छे फ़ोन भी बनाए हैं, फोल्डेबल फ़ोन भी बनाए हैं, लेकिन LG जो है बाकी अदर ब्रांड जो है जैसे कि Xiaomi हो गया या फिर Vivo हो गया या फिर Oppo हो गया, उन सभी ब्रांड के साथ जो है कम्पीट नहीं कर पाई थी और इसी की वजह से उन्होंने फैसला लिया है कि उनकी जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसे वो बंद कर देंगे और 31 जुलाई तक ये जो है ये सभी के सभी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो रैप अप हो जाएगी, मतलब पूरी तरह से बंद हो जाएगी और उन्होंने अभी तक जो भी टेक्नोलॉजी इन्वेंट की है वो सब वो रोबोटिक्स या फिर अदर्स को कुछ बिजनेस बढ़ाने में वो अपने टेक्नोलॉजी को लगाएंगे। तो यार ये भी थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट हो सकता है जो भी LG लवर है। तो यार यही कुछ डिसअपॉइंटमेंट थे, यही कुछ फेलियर थे जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, साथ ही में मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और मेरे लिए कोई सुझाव हो तो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो यार बस दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट ऐसी एक और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।